जरूरी नहीं शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच प्यार हो, दोनों खुश हों। बहुत से शादीशुदा लोग सिर्फ बच्चों और परिवार की इज्जत के लिए भी साथ रहते हैं। घर का सबसे बड़ा बेटा बेवकूफ होता है, जो सबका भला करते करते अपनी पूरी उम्र भी खर्च कर देता है, और मतलब निकल जाने के बाद भी बुरा भी उसे ही बना दिया जाता है। कड़वी है मगर सच है, क्या मैंने सही कहा? एक औरत तीन बातें कभी नहीं भूलती है, गर्भावस्था में उसके साथ किया गया व्यवहार, डिलीवरी के बाद उसके साथ किया गया व्यवहार, और भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अपने नवजात शिशु की अकेले देखभाल करना। तो ये गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद का जो समय है ना, इस समय जो भी उसके साथ जैसा व्यवहार करता है उन्हें वो मरते दम तक नहीं भूलती है, क्योंकि ये जो समय होता है इस समय एक औरत को सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह, अपनेपन और देखभाल की जरूरत होती है, जो शायद कुछ घरों में आज भी उसे नहीं मिलता है। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो एक घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप शर्त जीत गए, अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें।